Hi friends, shifting to commerce after studying science in class 12. इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, उस पर भी 65,000 व्यूज आ गए. काफी स्टूडेंट का एंगेजमेंट था. पीपल वर लाइक, सर हम कैसे कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को कि नहीं साइंस नहीं हो रहा है, कॉमर्स में शिफ्ट हो जाते हैं, कितना बड़ा स्टिग्मा होगा. एंड दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो. तो पहले समझते हैं लोग साइंस लेते क्यों है क्लास 11 12 में. 10 तक तो क्या सबको जो एकदम बेसिक सा सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ना, उसमें हर इंसान को ये लगता है कि वही उसका कोर इंटरेस्ट है. एंड 10 में क्या है, जिस हिसाब से बंदर बांट होता है 90-95% सभी का करते हैं. सो देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक एंट्री बैरियर एज सच कि भाई अरे आपका 90-95% आया है, आपको तो साइंस लेना ही चाहिए. मोस्टली सभी का आ जाता है. तो वो बैंडवैगन इफेक्ट की वजह से कि मी टू जो होता है ना, हैशटैग मी टू, कि चलो मैं भी सबके साथ एपिंग समवन सक्सेस स्टोरी, मैं भी चलो साइंस ही लेता हूँ. काफी लोग वैसे ही साइंस लेते हैं. कुछ लोग कोटा जाते हैं आईटी के लिए, कुछ अपने होम ग्राउंड पे प्रिपरेशन करते हैं, ओनली टू रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ देम आर नॉट कट आउट फॉर द वर्ल्ड ऑफ साइंस. साइंस इज नॉट देयर कप ऑफ टी. जो मैं काफी बार अपने वीडियोज में पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने जब साइंस लिया था, मुझे कॉस्टिंग ऑफ फैंस इंटरेस्टेड मोर देन आर ओमेगा करके मोमेंटम एंड ऑल. तो मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिए, नॉट दैट आई वाज एब्सोल्यूट लूजर देयर. मेरा डिसेंट ठीक ठाक रैंक भी आया था. बट द पॉइंट वाज दैट आई वुड नेवर हैव एक्सेल्ड इन साइंस बिकॉज मेरे कोर डीएनए में वो था ही नहीं. एंड आपके साथ भी शायद ऐसा ही होगा, आप ये वीडियो देख रहे हो तो जीवन भर सब ऑप्टिमम परफॉर्मेंस करने की जगह वाई नॉट टेक अ प्लंज वंस एंड शिफ्ट टू कॉमर्स. क्या संसार आपको लूजर कहेगा? हो सकता है शॉर्ट टर्म में कहे, बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आप इसके बाद जब कॉमर्स लेके एमबीए कर लोगे, कॉमर्स लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, कॉमर्स लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस एमबीए कर लोगे या सीएफए प्लस एक्चुअरीज, बहुत कुछ कर सकते हो, यूपीएससी क्रैक कर लोगे, दुनिया भूल जाएगी कि आप किसी जमाने में साइंस लिए थे एंड यू डिड नॉट परफॉर्म वेल. बिकॉज वो ड्रॉप करोगे, ड्रॉप करके एक साल फिर घर बैठोगे, कोटा जाओगे, फिर चलो एक साल बाद नहीं आया तब, तो देन इट बिकम्स ऑल द मोर अनसर्टेन. I got friends today, dozens of them, who've taken up science in class 11 and 12 and have become fund managers, CFOs of companies, practicing chartered accountants, civil servants, hedge fund analysts, मतलब name it. क्योंकि class 11, 12 में science लेने के बाद जब आप commerce में shift करते हो, generally your IQ is very sharp. From that perspective आप अच्छा करते ही हो. And आप ये समझिए कि आपका basic interest था कि नहीं science में. So was it like picked because of just the bandwagon effect, कि आपको एकदम core interest था कि मेरे को तो PhD करना है science में, MS करना है, US जाके एकदम research या कुछ एकदम top tech में कुछ करना है. If that is the thing, then of course science should be pursued. But अगर आपका commercial interest ही है कि भाई मैं तो engineering करके भी engineering में वो 5.1 बन के ultimately MBA करूंगा, तो फिर तो यार आप commerce लेके भी वो MBA कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा. Having said that, yes, IITians dominate the startup world. They go for finance. US में भी core tech jobs IITians को मिलते हैं, but startups और finance jobs तो commerce के बाद भी मिल जाते हैं. वो tech कितना जरूरी है आपके जीवन में वो आपको analyze करना है. But as far as stigma is concerned, उसके भरोसे जबरदस्ती का सब optimal performance करने का कोई sense नहीं है. एक महीना, दो महीना, तीन महीना में आप दो साल का पूरा पढ़ाई सीख लोगे. So that is the best part about the commerce studies in class 11 and 12. बहुत बेसिक एंड बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है ना. तो ऐसे मैं आपको डजन्स ऑफ एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, फ्रॉम नेशनल हेड्स ऑफ प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एंड डेलॉइट्स टू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, सिविल सर्वेंट्स, नेम इट, एंड दोज पीपल आर पीपल हू हैव स्टडीड साइंस इन क्लास 11 एंड 12 एंड देन शिफ्टेड टू कॉमर्स. तो स्टिग्मा, लोग क्या कहेंगे, वजह से अपने डिसीजन को होल्ड बैक मत करिए. एंड अगर आपको इसके ऊपर और फर्दर कंसल्टेशन करना है, यू कैन ऑल्सो बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी through the app for which I am sharing the link in the pinned comment, and let's have a 1-to-1 connection there. Thank you.